Hello everyone, today I'm going to teach you present continuous tense. It is a very common and basic rule of English grammar. It is used to express running actions. Running action means the work is in progress, and now you can see what are the works which are in progress. Right now what I'm doing, I'm teaching, I'm speaking, I'm talking, and what you are doing, you are watching a video. So this is the, I think, running action. Let's see what is the definition of present continuous tense. This rule is used to express running actions at the time of speaking. जिस समय हम बोल रहे होते हैं, उस समय जो भी एक्शन चल रहे हैं, हमारे सामने happen हो रहे हैं, उनको बताने के लिए हम लोग present continuous tense का प्रयोग करते हैं. Identification में है, verb plus रहा है, रही है, या आपने commonly सुना ही होगा. तो देखते हैं affirmative वाक्यों में सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी. सबसे पहले हम start करेंगे subject के साथ. So we will start with the subject. Now the subject is suppose I. With I we use am, because आपको ध्यान रखना है कि आपको subject के बाद पहले कोई helping verb, उसके बाद आपको कोई helping verb लगानी है. Subject अगर I लगा है तो आपको अगर कोई भी running action उसके साथ जोड़ना है, आप direct नहीं करते हैं I going. ये नहीं हो सकता है, ये तरीका नहीं है. I go ठीक है, present indefinite tense पढ़ा था आपने, मैं जाता हूं करेक्ट है, वहां पर आप लोगों को helping verb की आवश्यकता नहीं है. लेकिन यदि आपको कोई भी running action बताना है या बनाना है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है subject के बाद आपको कोई भी helping verb लगानी होगी, खासकर is am या फिर was verb. ठीक है बेटा, तो आप देखिएगा I am, अभी मैं क्या कर रहा हूं, I am teaching, अब मैं पढ़ा रहा हूं. अगर मैं चाहता हूं इसमें now लगाना तो हम यूज कर सकते हैं शुरू में. Right now I am teaching, क्या लगा सकता हूं बेटा, right now I am teaching. एक्शन क्या हुआ है, पढ़ाने का. वैसे मैं बोल भी रहा हूं right now I'm speaking. Okay, मैं लिख भी रहा हूं, I am writing as well. तो देखिएगा हमारे पास सबसे पहले subject होगा, उसके तुरंत बाद is am are, then we use ing in the verb plus object, and if possible you can add their other words as well. I'm teaching मतलब हुआ मैं पढ़ा रहा हूँ. Right now I'm teaching का मतलब हुआ मैं अभी पढ़ा रहा हूँ. जैसे आप लोग जो है, आपको देखना होगा, अगर समझ लो आप right now से वाक्य बना रहे हैं, right now आप बात अपनी ही कर रहे हैं, I am लगा दीजिएगा. I am का बाद आप कभी भी verb की first form का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, यह आपको दिमाग में रखना है. Right now I am go, ऐसे नहीं होता है. Right now I'm going, मैं जा रहा हूँ. कहाँ जा रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ. Right now I'm going to gym, मैं इस समय जिम जा रहा हूँ. इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं. फिर से देख लीजिएगा, यदि आपको समझ में नहीं आया है तो राइट नाउ के साथ हम यूज कर सकते हैं राइट नाउ आई एम ड्राइविंग. मैं इस समय क्या कर रहा हूं बेटा, ड्राइविंग कर रहा हूं. राइट नाउ आई एम ड्राइविंग. ठीक है, ये तो हो गया राइट नाउ के साथ. तो राइट नाउ के साथ आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको राइट नाउ लगाना है. इसका मतलब होता है अभी फिलहाल, राइट नाउ आई एम, और फिर आपको लगा देनी है वर्ब में आईएनजी. अब कोई भी वर्ब लगा दीजिए जो आपको लगता है, जो आपको वर्ब याद हो, जो एक्शन आपको लग रहा है कि मैं कर रहा हूं. मैंने लगा दिया राइट नाउ आई एम राइटिंग अ लेटर. मैं इस समय क्या लिख रहा हूं, एक लेटर लिख रहा हूं. देखिए राइट नाउ आई एम टेकिंग टी, मैं इस समय चाय पी रहा हूं. समझ में आप लोगों को, तो यहां पर आप आईएनजी लगाइएगा. मैं तो सजेस्ट करूंगा आप 20-30 सेंटेंसेस बनाइएगा, लेकिन नहीं बन रहे तो आप कम से कम 10 सेंटेंसेस जरूर बनाइएगा. ठीक है, अब हम बात करते हैं नाउडेज के ऊपर. ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा. अब नाउडेज के ऊपर क्या बनाएंगे, देखिए आपको अलग अलग प्रकार से अपने टॉपिक्स चुनने होंगे, क्लियर करने होंगे, उसके ऊपर आपको वाक्य बनाने होंगे. नाउडेज आजकल, ये आपको मिला के लिखना है. नाउडेज आजकल मैं क्या कर रहा हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश बना सकते हैं. Nowadays I'm learning English. आजकल मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं या इंग्लिश सीख रहा हूं. हो सकता है Nowadays I'm going to gym. आजकल मैं जिम भी जा रहा हूं. इस प्रकार से वाक्य बना सकते हैं. So अगला जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, जो वे होगा वाक्य को एक्सप्रेस करने का, वो होगा Nowadays I am, और जो भी समय आप कर रहे हैं उसमें लगा दीजिए वर्ब में आईएनजी, और यहां पर भी आप कम से कम 10 सेंटेंस बनाएं, प्रैक्टिस करें, 100% यू विल इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स. सो नाउ द नेक्स्ट वे व्हाट वी हैव, लेट्स सी
नाउडेज आई एम के ऊपर आप वाक्य बना सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कोई अलग सब्जेक्ट होगी, ठीक है। सपोज करिए हम बात कर रहे हैं अपने फादर को, माय फादर की, तो यूज करेंगे माय फादर। पहले कुछ सब्जेक्ट लिख लेते हैं सिंगुलर, क्योंकि सबके साथ ये जाएगा। फिर आप लोग यहां पर लगा सकते हैं ही, क्या लगा सकते हैं सी, और इट का प्रयोग बाद में करेंगे। कोई भी एक नाम ले लीजिएगा, नाम जैसे कि हमने ले लिया रमन, आप कोई भी नाम ले सकते हैं, बो, पीटर, सुजैन, ठीक है बेटा। ये आपने आपके सब्जेक्ट हो गए हैं। अब आपको देखो कोई भी रनिंग एक्शन, आप सपोज करिए कि आपके पापा जो है अखबार पढ़ रहे हैं, तो आप बोलेंगे माय फादर रीड द न्यूज़पेपर, नहीं, या माय फादर रीडिंग द न्यूज़पेपर, शायद नहीं। तो आप अगर ग्रामर को साथ बोलेंगे तो वहां पे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, इज, माय फादर इज, या ही इज, या सी इज, और फिर बेटा आपको लगा देनी है कोई भी वर्ब में आईएनजी। अगर आपको कोई भी रनिंग एक्शन बनाना है, then it is a mandatory or compulsory, you have to use ing in the verb. देखिए, my father is playing. मेरे पापा खेल रहे हैं। आपने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि my father is reading the newspaper. मेरे पापा newspaper पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आपके पापा क्या कर रहे हैं, सपोज करिए आपके पापा रेडी हो रहे हैं ऑफिस के लिए, तो आपने बोल दिया my father is getting ready for office, मेरे पापा ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं। इसी प्रकार से आप ही का प्रयोग कर सकते हैं, ही इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, वह अखबार पढ़ रहा है, सी इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, वह अखबार पढ़ रही है। यहां पर आप लगा सकते हैं सी इज मेकिंग द फूड, ये आपके लिए काफी सिंपल है, आप इसे यूज कर सकते हैं। रमन इज गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, ऑफिस की जगह स्कूल लगा दीजिएगा कि रमन जो है स्कूल के लिए तैयार हो रहा है। इसी प्रकार से आप कम से कम यहां पर भी 10 सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे, 10 सेंटेंसेस ही, सी एंड रमन, रमन की जगह आप कोई भी नाम ले सकते हैं और वाक्य बना सकते हैं। ये आपके अफर्मेटिव केसेस चल रहे हैं। अब सपोज करिए ये तो आप लोग कोई भी व्यक्ति का नाम लीजिएगा, यू का नाम लीजिएगा, सब्जेक्ट आपको बताऊंगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। सपोज करो इस बार हमने सब्जेक्ट लगाया है यू, सब्जेक्ट है हमारा यू, तुम, एक होता है दे, वे, और एक होता है वी। सपोज करो तीन सबसे कॉमन सब्जेक्ट है, आई के साथ तो हम प्रयोग कर सकते हैं, आई के साथ हम लोग एम का प्रयोग करते हैं। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट यू, दे एंड वी, द हेल्पिंग वर्ब दैट इज यूज्ड विद द यू, दे, वी इज आर, क्या होती है वो, आर का प्रयोग हम लोग करते हैं। एंड देन द सेम थिंग हियर, आई एन जी द वर्ब टू मेक द एक्शन इन प्रोग्रेसिव। अब अगर हमें प्रोग्रेसिव केस बनाना है, यदि एक्शन को रनिंग बनाना है, तो हमें वर्ब में लगानी होगी आई एन जी। देखिएगा, यू आर टेलिंग अ लाई, यू आर टेलिंग अ लाई, कि तुम जो है झूठ बोल रहे हो, यू आर टेलिंग अ लाई, तुम झूठ बोल रहे हो, दे आर टेलिंग अ लाई, वे झूठ बोल रहे हैं, वी आर टेलिंग अ लाई, हम झूठ बोल रहे हैं। अगर हम लोग यहां लगा देते हैं दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग खो खो, दे आर प्लेइंग चेस, तो ये वाक्य भी हिंदी हो जाएगी कि दे आर प्लेइंग चेस, मतलब हो जाएगा कि वो चेस खेल रहे हैं। मींस रनिंग एक्शन अगर हमें बनाना है, कोई भी एक्शन हमारे सामने हो रहा है, ठीक है, अगर वे लड़ रहे हैं, दे आर फाइटिंग, झगड़ रहे हैं, क्वारलिंग कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप वाक्य को समझ सकते हैं, ठीक है बेटा। ओवरऑल मैं आपको बोल रहा हूं पर सब्जेक्ट आप 10 सेंटेंसेस, एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, 100% आप लोगों के जो स्किल्स हैं वो इंप्रूव होंगे और होंगे और होंगे। अब आगे बढ़ते हैं इट के बारे में, ठीक है बेटा। देखो इट का प्रयोग कैसे करते हैं, इट के लिए आपको इसका प्रयोग करना होता है इट इज, और यहां पर इट इज क्या है, हमने लिया है कोई भी वेदर से रिलेटेड सेंटेंस, ठीक है बेटा। वेदर से, जैसे आज गर्मी हो रही है, इट इज गेटिंग हॉट, आप यूज कर सकते हैं, इट इज गेटिंग हॉट टुडे, इट इज गेटिंग वेरी हॉट टुडे भी लगा सकते हैं कि आज बहुत गर्मी हो रही है। सपोज करिए बारिश पड़ रही है, बारिश एक वेदर से रिलेटेड सेंटेंसेस है, मौसम से संबंधित वाक्य है, तो आप बोल सकते हैं इट इज रेनिंग। तो ये ज्यादा वाक्य नहीं है, कॉमन सेंटेंसेस हैं। इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। अब बारिश के स्थान पे आप लोग चाहते हैं तो हेलिंग लगा सकते हैं कि ओले पड़ रहे हैं, स्नोइंग लगा सकते हैं कि बर्फ पड़ रही है, इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हैं। सर मैं आप लोगों को इट इज का प्रयोग हम लोग ज्यादातर जो यूज करते हैं वो मौसम से संबंधित वाक्यों के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे बहुत ठंड हो रही है, तो इट इज गेटिंग वेरी कोल्ड टुडे, आप यूज कर सकते हैं।
ठीक है, इनको आप नोट कर लेना। स्नो मिलता है बर्फ पढ़ना, हेल मतलब होता है होली पढ़ना, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज ऐसी जो आपको पढ़ती हुई दिखती है, जैसे द फोग, जैसे आपने देखा होगा द फोग, फोग के साथ आप ड्यू भी लगा सकते हैं कि कोहरा जो है फूल हो रहा है। द फोग इज फॉलिंग, द फोग इज फॉलिंग टुडे, कि आज जो है कोहरा पड़ रहा है। द फोग इज फॉलिंग आउटसाइड, बाहर कोहरा पड़ रहा है। द ड्यू इज फॉलिंग, कि ओस पड़ रही है। देखा ना, मैच के दौरान हम लोग देखते हैं घास पे गीली हो नहीं हुई, तब बोलते हैं यस ड्यू इज फॉलिंग या ड्यू इज नॉट फॉलिंग, तो ड्यू नहीं गिर रही है या गिर रही है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। इस तरीके से आप बहुत सारे वाक्य इट से भी बना सकते हैं, आई यू वी दे ही का प्रयोग आप लोग कर ही सकते हैं। मेकिंग द न्यू एक्शंस, आप देखते हैं कि हम लोग यहां पर क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस में कुछ नहीं करना है आप लोगों को, सब्जेक्ट इजमार, उसके बाद बेटा क्या करना होगा, नॉट का प्रयोग करना होगा, प्लस आई एन जी इन द वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड्स एंड अ फुल स्टॉप। इज दैट क्लियर? Let's have a first example. I am not telling a lie. मतलब हुआ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अब वो कार्य जो आप कर नहीं रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे नो आई एम नॉट टॉकिंग। मुझे तो सबसे बेहतरीन तरीका जो लगता है वो ये लगता है कि पहले आप एक बॉक्स में सब्जेक्ट लिख लीजिएगा, जैसे आपने लिख लिया यू वी दे, सिंपल। फिर लगा लीजिएगा आर नॉट, सिंपल, एंड आई एन जी इन द वर्ब, मींस ये काम आप नहीं कर रहे हैं, तो आप 10 सेंटेंसेस ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, पहले आप इसे नोट करिएगा, फिर हम इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यही पर मस्केल बदल देना है। यहां पर आप लगा सकते हैं ही सी और माई फादर माई डैड, आप यूज कर सकते हैं कोई भी एक राम, मैंने कहा राजा या राजू, इस तरीके से आपने कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट लिख लिए हैं, वहां पर आएगा इज नॉट, और वर्ब तो आप सेम लगा सकते हैं। अगर हमने लगाया है अब्यूजिंग, तो आप देखिएगा किस तरीके से वाक्य बनेंगे। ही इज नॉट अब्यूजिंग, वह गाली नहीं दे रहा है। सी इज नॉट अब्यूजिंग, वह गाली नहीं दे रही है। माय फादर इज नॉट अब्यूजिंग, मेरे पापा गाली नहीं दे रहे हैं। राजा इज नॉट अब्यूजिंग, राजा गाली नहीं दे रहा है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। सपोज करिए मैंने कहा बारिश हो रही है, आप बाहर जाते हैं, आपको लगा बारिश नहीं हो रही, आपने देखा बारिश नहीं हो रही है, तो आप बोल देंगे ही इज नॉट रेनिंग, की बारिश नहीं हो रही है। ठीक है बेटा, इनको आप नोट कर लीजिएगा। कुछ अफर्मेटिव के सेंटेंसेस अगर आप और चाहते हैं बनाना, तो देखिएगा जैसे आप देखिए कौन सी चीज चल रही है। समय मैं देख रहा हूं टीवी चल रहा है, फैन ऑन है, फैन भी चल रहा है, तो हम लोग यहां पर ऐसे लगा सकते हैं बेटा फैन इज गोइंग ऑन, टीवी इज रनिंग, टीवी इज रनिंग, कि टीवी जो ना चल रहा है। आप रनिंग के स्थान पर गोइंग ऑन भी लगा सकते हैं, जैसे आपने बोल दिया द फैन इज गोइंग ऑन, कि पंखा चल रहा है। ठीक है, द टीवी इज गो, मतलब टीवी इज गोइंग ऑन, टीवी चल रहा है, कोई भी चीज चल रही है, तो आप उसके लिए गोइंग ऑन या रनिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने कहीं पर सुना होगा माई स्टडी इज गोइंग ऑन वेल, सुना होगा माई स्टडी इज गोइंग ऑन, मेरी स्टडी चल रही है, वेल मीन्स बढ़िया, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। आप बोलते हैं ना हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, तो वहां पर आंसर बनता है माय स्टडी इज गोइंग ऑन वेल। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं हाउ आर यू फीलिंग देयर, आपको वहां कैसा लग रहा था, आप बोल देते हैं आई एम नॉट फीलिंग वेल देयर, मेरा यहां मन नहीं लग रहा है, मेरा यहां मन नहीं लग रहा है। यदि आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो वही वाक्य बन जाएंगे आई एम फीलिंग अफ्रेड, मुझे डर लग रहा है, आई एम फीलिंग थर्स्टी, मुझे प्यास लग रही है। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड टाइम।